दोस्तों झारखंड की बेटी दीपिका कुमारी ने पेरिस में हो रहे आर्चरी वर्ल्ड कप में 3 गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड रैंकिंग में फिर से नंबर वन आर्चर बन गई हैं। रांची की रहने वाली इस 27 साल की खिलाड़ी ने पहली बार 2012 में नंबर वन रैंक हासिल की थी। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 में दीपिका ने गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाई और इस इतिहास को पूरा करने में सफल रही। सबसे पहले दीपिका ने महिला टीम के साथ फाइनल में मेक्सिको को 5-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीती। इसके बाद अपने हस्बैंड अतानु दास के साथ मिलकर आर्चरी वर्ल्ड कप के मिक्स्ड रिकर्व इवेंट में गोल्ड मेडल जीती। यही नहीं, दीपिका ने पर्सनल इवेंट में भी कमाल दिखाया और रूस की एलिना ओसिपोवा को 6-0 से हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाकर एक नया इतिहास रच दिया। गोल्ड जीतने के बाद दीपिका ने कहा, मैं खुश हूं, लेकिन साथ ही मुझे अपने इस परफॉर्मेंस को जारी रखना है क्योंकि अपकमिंग टूर्नामेंट टोक्यो ओलंपिक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो सीख सकती हूं उसे जारी रखने की पूरी कोशिश करूंगी। दीपिका ने कहा वो टोक्यो में भी मेडल जीतने के लिए काफी एक्साइटेड है। इस अचीवमेंट के लिए झारखंड की बेटी दीपिका कुमारी को सभी की तरफ से बहुत बहुत बधाई।